ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम में अभी भी विनिंग पॉसिबल है कि नहीं? अगर है तो कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि हम लोग ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम में विनिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट पे, जहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम में विनिंग पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो कैसे। ठीक है दोस्तों, इस समय हम लोग जानते हैं कि ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आ गए हैं। तो इस समय क्या हो गया, क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो विनिंग कैसे करनी है, इसकी स्ट्रेटजी बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेने के मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जिससे बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। सोचो मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, और वो मैंने रेस्टोरेंट जो है एक ऐसी जगह पे ओपन कर लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी थे। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म कर सकूँ और इसमें अर्निंग कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे ऑफर्स दूँगा, या तो मैं उनका डिस्काउंट दूँगा, या फिर कोई ना कोई एडिशनल सर्विस देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आजकल ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम को लेकर के भी आजकल यही है स्ट्रेटजी अपने जितनी भी एप्लीकेशन से वो अपना रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो छोटे छोटे बोनस दे रही है, अलग अलग तरह के उनको स्कीम दे रही हैं ताकि लोग उनके एप्लीकेशन में आकर के इन्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात, नया एप्लीकेशन जो आ रहा है वो ये क्या कर रहा है, ड्रैगन वर्सेस टाइगर जब हम लोग गेम खेलते हैं वहाँ का पैटर्न जो है वो बहुत सिंपल बना देता है। वो क्या करता है, या तो एक ड्रैगन एक टाइगर, या फिर दो ड्रैगन दो टाइगर, या फिर कंटिन्यूसली के ऐसा पैटर्न बनाता है जिससे कि यूज़र्स को बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आप लोगों का काम इतना है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में नया एप्लीकेशन कौन सा आ रहा है ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, गेम को आइडेंटिफाई करना कौन सा नया गेम आ रहा है, कौन सा एप्लीकेशन जो है वो ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम को लेकर के आ रही है। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका आप लोगों को क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उससे आप लोगों को क्या होगा कि जब भी कोई नया एप्लीकेशन आएगा उसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ और यूट्यूब पर उसकी वीडियो बना देता हूँ। उससे क्या होता है, आप लोगों को जितना जल्दी हो सके आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन से नई एप्लीकेशन आ रखी है, और तुरंत आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैटर्न जो है सीरीज़ जो है वहाँ पर बहुत सिंपल बनी रहती है, तो वहाँ पर अर्निंग की पॉसिबिलिटी आप लोगों की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस लिंक पे जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप लोग गेम खेलना देखना, वहाँ पे पैटर्न बहुत इजी है, जितना जल्दी हो सके आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देना वहाँ पे और गेम खेलना देखना, बहुत इजीली जीत जाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को अपनी गेम की स्क्रीन पर लेकर मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के जाता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को गेम प्ले करके दिखाता हूँ ये न्यू एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि कितना आसान है पैटर्न को समझना नए गेम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने गेम की स्क्रीन। तो दोस्तों, आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैटर्न एनालाइज करना कितना इजी है इस गेम के अंदर न्यू, क्योंकि ये न्यू गेम है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले से खेल रहा था ये गेम, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे जो जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट हो रही थी वहीं वही जीत रहा था। ठीक है, तो मुझे ये देखिए टाइगर में कम इन्वेस्टमेंट हुई थी तो इसीलिए मैंने टाइगर पर ही 50 कॉइन्स इन्वेस्ट कर दिया है, और देखते हैं हम लोग विनिंग करते हैं कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, विनिंग कर लिया हमने, फर्स्ट राउंड हम लोगों ने विन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को गेम इसीलिए दिखा रहा हूँ पूरा खेल करके कि आप लोगों श्योर हो जाएं, आप लोगों को एक प्रूफ दे रहा हूँ मैं कि हाँ इसके अंदर विनिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ड्रैगन पे कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, देखो काफ़ी पता चल जाता है दोस्त देखते ही। देखो दोस्तों, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ड्रैगन पे 50 कॉइन फिर से इन्वेस्ट कर दिए हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर विनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये राउंड जो है कम्प्लीट हो चुका है, ये 10 आया, यहाँ पे 8 आया। देखिए दोस्तों, ये भी मैंने सेकंड राउंड में बहुत इजीली विन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, गेम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग गेम डाउनलोड कर लो और खेलो, देखो कितना इजीली आप लोग जीतोगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया, थर्ड राउंड में मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट मैं करने जा रहा हूँ ड्रैगन पे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसीलिए मैं ड्रैगन पे ही इस बार इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने कर दिया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, और 7 और 1। ठीक है दोस्तों, देख लिए आप लोग, फिर से देख सकते हैं थर्ड राउंड भी कॉन्जिक्यूटिवली मैंने विन कर लिया है, थर्ड राउंड लगातार मैंने विन किया है। इस बार मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा होल्ड करूँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ पे हो सकता है पैटर्न जो है चेंज हो जाए, इस वाले में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा उसी के हिसाब से, जो भी विन करेगा उसी के हिसाब से नेक्स्ट राउंड में मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि मैं जीत सकूं। ठीक है,
इस राउंड को मैं स्किप कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए कौन जीतता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पैटर्न जो है चेंज हो गया, यहाँ पे जो है जिस जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो जीता, टाइगर जीत गया है। तो नेक्स्ट राउंड जो है वो डेफिनेटली वो वही विन करने वाला है जो कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, तो मैं भी वहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा। देखिए टाइगर पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे भी फिर से विनिंग ही करेंगे। ये देखिए दोस्तों फिर से हम लोगों ने विन कर लिया यहाँ पे भी। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा गेम प्ले देख करके समझ में आ गया होगा कितना इजी है इस गेम के अंदर पैटर्न को समझना और सीरीज़ को समझना कितना इजी है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोगों को करना क्या है कि ऐसे एप्लीकेशन को पता लगाते रहना कि वो कौन सा एप्लीकेशन न्यू लॉन्च हुआ, ताकि वो सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकें और जितना जल्दी हो सके उस गेम के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सको। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन करना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके गेम खेलना, ठीक है, और अच्छी खासी अर्निंग करना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कोई कम क्वेश्चन हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेकर के आता रहूँ आप लोगों को सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।